चलो बच्चा पार्टी। नमस्कार, मैं प्रशांत द्विवेदी स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिलीजेंस करे क्लासेस में। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास नाइन्थ के एनसीईआरटी मैथ एक्सरसाइज 1.3 के सॉल्यूशंस के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कन्वर्ट द फ्रैक्शंस इन अ डेसिमल एंड विच टाइप ऑफ द डेसिमल्स आर। आपसे कह रहे हैं कि जो फ्रैक्शन दिए गए हैं इसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए और बताइए कि किस टाइप के डेसिमल्स आपको मिलते हैं। अगर मैं आपको एक बार रिकॉल करा दूं, जब हम लोग स्टार्टिंग में पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि डेसिमल थ्री टाइप्स के होते हैं। किन टाइप के होते हैं बेटा? थ्री टाइप्स होते हैं। फर्स्ट इज टर्मिनेटिंग, सेकेंड इज नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, यानी जो एंड नहीं होता लेकिन रिपीट करता रहता है, एंड थर्ड इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। तीसरा क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तीन टाइप के डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं। आइए देखते हैं कि इनमें से जो आपके फर्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है 36 बाई 100, 1 बाई 11, 4 होल 1 बाई 8, 3 बाई 13, 2 बाई 11 एंड 329 बाई 400, ये किस टाइप के डेसिमल एक्सपेंशन है? चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है 36 बाई 100, जब आप डिवाइड करेंगे तो बहुत बेसिक तौर पे 100 से डिवीजन है तो ये डिवाइड होकर 0.36 आएगा, 0.36 यानी खत्म हो जा रहा है, एंड हो जा रहा है। दिस इज टर्मिनेटिंग। ये कैसा है बेटा? ये टर्मिनेटिंग है। बहुत क्लियर सी बात है कि जिसमें डेसिमल एंड हो जाए यानी खत्म हो जाए, जिसमें आगे डेसिमल एक्सपेंशन ना दिया गया हो तो वो टर्मिनेटिंग होता है। ठीक, वो टर्मिनेट हो गया। अब अगर क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करें तो 1/11 दे रखा है। चलिए डिवाइड करते हैं। 1/11 जब डिवाइड करना शुरू करेंगे तो डेसिमल पहले टेबल तो जाएगा नहीं, 1 है, आपने 0 इंक्रीज किया, 10 हो गया, लेकिन क्या अभी भी टेबल जा रही है? 10 में भी नहीं जा रही है, तो फिर आप 0 बढ़ाएंगे। ठीक, कितना हो गया? 100 हो गया। 11 9 जा 99 हो गया, फिर 1 उतरेगा, उतरेगा 11 9 जा 99 हो गया, फिर 1 उतरेगा, फिर टेबल नहीं जाएगा, फिर 0 फिर 9 फिर 0 फिर 9, यानी एंड सो ऑन, ऐसे कंटिन्यू ये प्रोसेस चलता रहेगा। तो ये क्या हो गया बाबू? ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग, ये टर्मिनेट नहीं कर रहा है। ध्यान से देखिए ये कैसा है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है। लेकिन टर्मिनेट नहीं करने में दो किस्से होते हैं, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो आप ध्यान से अगर समझें, देखो 09 09 09, ये पूरा नंबर रिपीट हो रहा है, तो नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीटिंग है, बट रिपीटिंग लेकिन रिपीट हो रहा है। ध्यान से देखिएगा ये क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, इट इज नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ठीक, आगे वाले फ्रैक्शन की बात करें, नेक्स्ट फ्रैक्शन कह रहा है 4 होल 1/8। तो अगर इसको आप मिक्स्ड फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे तो 8 4 32 और ये हो गया 133 और बाय 8 हो गया। बोलो हुआ कि नहीं हुआ? 33/8। अब इसको आप अगर फ्रैक्शन से डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे और डिवाइड करना शुरू करेंगे तो टेबल कैसे जाएगी? 8 ही टेबल जाएगी, डेसिमल आप 8 4 32, भाई इसमें फर्स्ट टाइम हमें डेसिमल लगाने की जरूरत तो है नहीं, 8 4 32 हो गया। कितना बचा है यहाँ पे? 1 बचा, 1 बचा और 1 में टेबल नहीं जा रही है, आपने डेसिमल लगाया, 0 हो गया, 10 हो गया, तो 8 1 8 हो गया बेटा। ठीक, फिर बचा 2, फिर आपने 0 बढ़ाया, 20 हो गया, तो 8 2 16 हो गया, फिर बचा 4 और 4 0 40 हो गया, 8 5 40। ठीक, तो ध्यान से देखिए इसमें 4.125 है, यानी 4 के बाद डेसिमल 3 डिजिट्स बाद एंड हो जा रहा है, खत्म हो जा रहा है, यानी ये टर्मिनेट हो जा रहा है। कैसा है बेटा ये? दिस इज टर्मिनेटिंग बाबू, ये कैसा है? ये टर्मिनेटिंग है यानी एंड हो जा रहा है। ठीक, इसके बाद अगर फिर फोर्थ क्वेश्चन की बात करें, 3/13 दिया गया, इसका डेसिमल एक्सपेंशन थोड़ा सा लेंदी होगा, आज इसको सॉल्व करना शुरू करेंगे, मैं यहाँ कर रहा हूँ, थोड़ा ध्यान दीजिएगा कंसंट्रेट होके। ठीक है, ना हो तो आप अलग से डिवाइड इसको कर लीजिएगा अगर ऐसे डायरेक्ट नहीं कर पा रहे हैं तो। ठीक है, कि कर दें आपके लिए, चलिए डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, वरना आपके मन में कन्फ्यूजन रहेगा तो ज़्यादा यहीं इरेज करते हैं, यहीं पर डिविजन कर लिया जाए। ठीक है, चलो देखते हैं यहीं पर डिविजन करके। ये दिया गया है 3/13 दे रखा है बाबू, जब आप डिवाइड करेंगे 13 से 3 में तो टेबल तो जाना नहीं है, आपने डेसिमल लगा दिया, ये 0 हो गया, 13 2 26 हो गया, यहाँ बचा 4, फिर 0 इंक्रीज किया, 13 3 39 हो गया, बचा कितना? 1, 0 इंक्रीज किया, टेबल नहीं जाएगी, 10 में टेबल नहीं जाएगी, तो आप 0 और बढ़ाएंगे, ये हो जाएगा 100। अब कितनी बार जाएगा? 13 7 जा, फिर यहाँ 0 बढ़ा दिया आपने, 13 7 जा 91, कितना बचा बाबू? 9 बचा, दिख रहा है? 9 बचा, फिर 0 आपने किया, अब कितनी बार जाएगा? 13 6 जा 13 6 जा 78 बचा। ठीक,
आपने आपका रिमाइंडर बचेगा 2, कितना बचेगा रिमाइंडर बेटा, सॉरी रिमाइंडर बचेगा 12, और 12 में टेबल जानी नहीं है, फिर आपने 0 इंक्रीज किया, बोलो इंक्रीज किया, जैसे आपने इंक्रीज किया 0 में, फिर आपने देखा कि टेबल जाएगी 39 हो गया 117, ठीक, यहाँ बचा 3, और जैसे देखो 3 मिल गया यहाँ पे, फिर यहाँ पे डेसिमल आप इंक्रीज करेंगे, फिर 0 हो जाएगा, फिर 30 हो जाएगा, और फिर आपकी टेबल जाएगी 2 टाइम। तो आप देखेंगे कि आपका जो डेसिमल एक्सपेंशन था डिवीजन के बाद का, वो 0.230769 था, फिर 2 मिल गया, और 2 मिलने के बाद फिर 3 मिलेगा, फिर 0 मिलेगा, फिर आपको 7 मिलेगा, फिर 6 मिलेगा, फिर 9 मिलेगा। तो यानी ऐसे कंटिन्यूसली डेसिमल के बाद 0.230769, फिर 2, 3, 0, 7, 7, 6, 9 कंटिन्यूसली ऐसे ही रिपीटेशन स्टार्ट हो जाएगा, और ये इनफाइनाइट टर्म्स तक रिपीट होता रहेगा। इसको आप आराम से डिवाइड कीजिएगा तो आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से शायद समझ में आए। अगर आपको डिवीज़न में दिक्कत हो रही हो, डिवीज़न में से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको भाई, 9th में है आप, अगर डिवीज़न में दिक्कत हो रही तो भाई कहीं ना कहीं बेचारा ही बात हो जाएगी। तो वैसे आप देखेंगे तो इसका एक्सपेंशन क्या आएगा, 0.230769, फिर यही चीज़ रिपीट होता रहेगा। तो बाबू ये बार बार रिपीट हो रहा है, हालांकि डिजिट इसमें बड़ी है, आप इसे सॉल्व कीजिएगा, डिजिट बड़ी है, टर्मिनेट नहीं हो रहा लेकिन रिपीट हो रहा है। तो क्या सॉल्व करने पे आया था, 0.230769, फिर 2, 3, 0, 7, 6, 9 एंड सो ऑन। तो बाबू अगर आप ध्यान से समझें इसको, तो अभी क्या हो रहा है, ये आपका डेसिमल एक्सपेंशन कंटिन्यूसली रिपीट हो रहा है, तो ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग। कैसा है बाबू, नॉन टर्मिनेटिंग, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग में कौन सा केस है, बट रिपीटिंग वाला। कैसा बाबू, रिपीटिंग का केस है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। अब अगर बात करें 2/11 की, 2/11 जब आप डिवाइड करेंगे तो सेम है, जैसे आपने वहाँ किया था वैसे आप इसको भी किया करते हैं। चलिए डिवाइड कर लेते हैं भाई इसको भी, जब आप 2/11 करते हैं, यहाँ इस यहाँ कर लेते हैं, जब आप 2/11 डिवाइड करते हैं, यानी 2 को 11 से जब डिवाइड करते हैं, तो आपको क्या मिलेगा, आप टेबल तो जा नहीं रहा है, 2 में 11 की टेबल तो जाएगी नहीं, जब 2 में 11 की टेबल नहीं जाएगी तो क्या करेंगे आप, डेसिमल बढ़ाएंगे। क्या बढ़ाएंगे बेटा, डेसिमल बढ़ाएंगे, और जैसे ही बाबू यहाँ पे आपने डेसिमल बढ़ाया, ये 20 हो गया, ठीक, 11 बन जा 11 हो गया, यहाँ बचा 9, कितना बचा 9 बचा, फिर 11 कितनी बार जाएगा, 8 बार जाएगा, 11 8 जा 88 हो गया बेटा, यहाँ बचा 2, फिर 0 इंक्रीज किए, फिर 1 टाइम गया, फिर 11 हो गया, फिर 9 बचा, फिर 0 बढ़ाए, फिर 8। अब आप देखेंगे कि डेसिमल के बाद 0.181818 ऐसे कंटिन्यूसली रिपीटेशन स्टार्ट है, और वो इनफाइनाइट तक जा रहा है, वो ख़त्म नहीं होने वाला। तो 0.1818 एंड सो ऑन ऐसे है। तो भाई आप देखो ये टर्मिनेट तो नहीं कर रहा है, लेकिन ये कौन सा केस है, ये नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग का केस है। बाबू बताओ ये कौन सा केस है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग का केस है। इसके बाद लास्ट वन अगर की बात करें, एकदम अंतिम क्वेश्चन की, आपको दे रखा है 329/400। तो देखो बहुत आसान सा है, इसको डिवाइड करने के लिए बहुत इजी वे में, आप अगर डायरेक्टली डिवाइड करते हैं तो 400 से डायरेक्ट डिवाइड कर दीजिए, या इसका एक आसान तरीका होता है कि पहले 4 से डिवाइड कर दीजिए, फिर 2 डिजिट पर डेसिमल लगा दीजिएगा, वो आपकी मर्जी। तो चलिए डायरेक्ट हम डिवाइड करते हैं 400 से। अगर मान लीजिए आप डायरेक्ट डिवाइड करते हैं तो 329 आपको दिया गया बेटा, यहाँ पे 329 आपका डेसिमल डायरेक्ट तो जाएगा नहीं, डायरेक्ट 400 की टेबल 329 में नहीं जाएगी, तो आप डेसिमल स्पेंड करेंगे, आपने यहाँ 0 लगा दिया, अब कितने टाइम जाएगा भाई, ध्यान समझो, यहाँ 0 हो गया, अब कितने टाइम जाएगा, 8 टाइम जाएगा, 4 8 जा 32 होता, ठीक, यहाँ बचा 90, अब टेबल तो जाएगी नहीं, आपने डेसिमल लगाया तो 0 बढ़ा दिया, 4 2 जा 800 हो गया बाबू, फिर बचा 100, बोलो बचा, फिर 0 बढ़ा दिया, अब कितना टाइम जाएगा, 4 2 जा 800 जाएगा, अभी भी डेसिमल एक्सपेंड हो रहा है, ख़त्म नहीं हो रहा है। फिर कितना बचा, 200 बचा, आपने यहाँ पे 0 बढ़ा दिया, 4 5 जा 2000 हो गया, ठीक, बोलो। आपने इसको जब सॉल्व किया तो सॉल्व करने के बाद आपको मिल गया 0.8225, यानी एंड हो जा रहा है, ये कैसा है बाबू, टर्मिनेट हो जा रहा है। तो आई थिंक आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी।
इसमें बहुत ज़्यादा मैंने डिवीज़न पे टाइम नहीं दिया है, बहुत आसान आसान डिवीज़न है, आप भी करेंगे तो इजीली हो जाएगा। तो ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है, वी नो दैट 1/7 इज इक्वल टू 0.142857 बार। बार मीन्स क्या होगा कि वो रिपीट हो रहा है कंटिन्यूसली, 1, 4, 2, 8, 5, 7 पूरे की पूरे डिजिट उतनी रिपीट हो रही है। फिर कह रहे हैं, कैन बी प्रेडिक्ट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 विदाउट एक्चुअली डिवीजन। बिना हम एक्चुअली डिवाइड किए हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि 2/7, 3/7 इन सब की वैल्यूज क्या होगी। जी हाँ, बहुत इजी है प्रेडिक्ट करना। देखिए, जैसे आपको दिया गया 1/7 की वैल्यू इन्होंने दे रखी है, ये कह रहे हैं 1/7 इज इक्वल टू 0.142857 बार। ठीक है, बार का मतलब क्या होगा, कंटिन्यूसली रिपीट होता रहेगा। अब आपसे कह रहे हैं 2/7, तो आप इसको 2/7 को 2 × 1/7 राइट कर सकते हो, बहुत इजी वे में राइट कर सकते हो। भाई आपसे कहा इन्होंने कि 2/7 की वैल्यू पूछी है विदाउट एक्चुअली डिवीजन, तो 2/7 मतलब कितना हो गया, 2 × 1/7 हो गया। तो इस तरीके से आप इसको 2 × जो 1/7 की वैल्यू थी उसी से मल्टीप्लाई कर दीजिए। भाई 2/7 आपसे ये कह रहे हैं फाइंड करने के लिए, तो 2 × 1/7 कर सकते हैं हम लोग, और 1/7 की वैल्यू होती है 0.142857 बार। यही तो है, मतलब ये कंटिन्यूसली रिपीट हो रहा है, तो आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, मिलेगा 0.72 ये हो जाएगा आपका 7 × 2 = 40। ठीक, ये हो जाएगा 5 × 2 = 10/11 और 8 × 2 = 16/17, 2 × 2 = 4 / 1 = 5 हो जाएगा, 4 × 2 = 8 और 2 × 1 = 2। तो आप क्या मिल जाएगा, 0.285714 और इस पर बार लगा रहेगा। बोलो मिलेगा कि नहीं मिलेगा बेटा, क्योंकि बार लगा हुआ था उसी पे दोबारा यहाँ पे बार लग गया। तो ऐसे ही अगर आपसे कहा गया 3/7 तो आप मल्टीप्लाई 3 से कर दीजिएगा, 4/7 तो 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 5/7 तो 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 6/7 6 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। अब भाई इतना तुम कर लेना, ठीक है। चलिए, ये हो गया क्वेश्चन नंबर सेकंड। आई थिंक आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा, इसमें कुछ खास नहीं करना, डायरेक्टली आप इसके इस फॉर्मेट में लिख के आप सारी वैल्यूज 2/7 के बाद 3/7 4/7 5/7 ऐसे कंटिन्यूसली फाइंड कर लीजिएगा। क्लियर, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। आपको क्वेश्चन दिए गए हैं, इनको पी बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। आप सभी जानते हैं कि पी बाई क्यू के फॉर्म में वही नंबर रिप्रेजेंट होते हैं जो रेशनल होते हैं। अगर आप इस क्वेश्चन की बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया 0.6 बार। बार का मतलब क्या हुआ कि कंटिन्यूसली 6 रिपीट हो रहा है। तो अगर रिपीटिशन होता है, यानी टर्मिनेट नहीं होता है, वो रिपीटिंग हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग का केस है, तो आपको मैंने बताया था कि वो रेशनल नंबर होते हैं। तो यानी रेशनल नंबर को हम बहुत इजीली पी बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आपसे कई बार ऐसे ही पूछा जाता है, लिखा हुआ है 0.6 बार की जगह हम आपसे डायरेक्टली कहते हैं 0.666 एंड सो ऑन, ये दे देंगे और कहेंगे कन्वर्ट द फ्रैक्शन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। जैसे अगर आपसे मैं कहूँ कि 1/3 दिया गया, 1/3 तो ये फ्रैक्शन फॉर्म है, आपने इसको डिवाइड किया 0.333 एंड सो ऑन दे दिया। अब आपको लेकिन करना क्या है, ये फ्रैक्शन से डेसिमल में कन्वर्जन था, अब आपको डेसिमल से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में इससे जरूर कहीं ना कहीं से एक क्वेश्चन उठते हैं, हर साल लगभग लगभग पूछा जाता है आपसे। आइए बात करते हैं कि कैसे आप इसको फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। 0.6 बार दिया गया है, मतलब आपको दिया गया 0.666 एंड सो ऑन टिल्ड इनफिनिट। तब अगर समझें, सबसे पहला काम हमें इसे x मानना पड़ेगा या y मानना पड़ेगा, कुछ भी आप इसे कंसीडर करेंगे। तो हमने मान लिया लेट x इज इक्वल टू 0.66 एंड सो ऑन, हमने मान लिया कि इसकी वैल्यू x दी गई है। ठीक, अब इसके बाद दूसरी कंडीशन याद रखिएगा, जितने नंबर रिपीट होंगे, मेरी बात ध्यान सुनना बाबू, जितने नंबर रिपीट होंगे आप उतने जीरोज वाले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे अगर 1 डिजिट रिपीट होगा तो आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 10 में 1 0 होता है। अगर 2 डिजिट रिपीट होगा तो आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि उसमें 2 0 होता है। तो ध्यान से देखो यहाँ कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं, यहाँ पे बेटा 1 डिजिट यानी केवल 6 रिपीट हो रहा है। तो आप दोनों LHS और RHS में दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हमने इस इक्वेशन को फर्स्ट मान लेना है, यहाँ लिखेंगे फिर मल्टीप्लाइंग बाई
10 मल्टीप्लाइंग बाई 10 इन फर्स्ट इक्वेशन। क्या कर दिया हमें 10 से मल्टीप्लाई करना है इस फर्स्ट इक्वेशन में। बाबू जैसे ही हम इस 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिलेगा 10x इज इक्वल टू, और जब 10 से मल्टीप्लाई होगा तो डेसिमल 1 डिजिट राइट मूव करता है। आपको पता है 10 से 100 से या 1000 से मल्टीप्लाई करने पे डेसिमल राइट डिजिट मूव करता है और डिवाइड करने पे लेफ्ट डिजिट मूव करता है। तो जैसे हमने 10 से मल्टीप्लाई किया तो 0.66 था, ये हो गया 6.666 एंड सो ऑन। बोलो कोई दिक्कत बेटा? अब ये इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया। क्या हो गया बाबू? इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, ये इक्वेशन नंबर सेकंड मिल गया। अब एक लाइन लिखेंगे आप, सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, सेकंड वाले इक्वेशन में से फर्स्ट वाले इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना है। ध्यान दीजिएगा, सेकंड वाले इक्वेशन में से तो ये हो गया 10x इज इक्वल टू 6.666 एंड सो ऑन। दूसरा हो गया x इज इक्वल टू 0.666 एंड सो ऑन। बाबू जब आप यहां से माइनस करते हैं तो माइनस करने के बाद क्या मिल जाएगा, ये मिलेगा 10x माइनस x यानी बचेगा 9x, और यहां माइनस करेंगे तो 6 माइनस 6 0 यानी आपको मिलेगा केवल 6। बोलो मिला ना बेटा? तो आपको फाइनली क्या मिल गया, आप ध्यान से देखिए, यहां से यहां मिल गया 9x इज इक्वल टू 6 मिला, 9x इज इक्वल टू 6 मिल गया। देन x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, x इज इक्वल टू हो जाएगा 6/9, कितना हो जाएगा 6/9 यानी 3 2 6 और 3 3 9। बोलो हुआ कि नहीं मिला? तो आपको x की वैल्यू मिल गई 2/3, और आपने इसी x के इक्वल टू में माना था अपना क्वेश्चन। तो यानी आपसे अब अगर मैं कहूं कि 0.6 बार की वैल्यू क्या हो जाएगी तो वो होगी 2/3। क्लियर है बेटा? बहुत आसान सा फॉर्मेट था, बहुत अच्छे समझिएगा। पहले आपने उसे x मान लिए और जितने डिजिट रिपीट हो रहे होंगे, जितने भी डिजिट रिपीट हो रहे होंगे उतने 1 वाले जीरो से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, तो यहाँ 1 डिजिट था तो हमने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। इसी में दिया गया है 0.47 बार, लेकिन ध्यान से देखिएगा उसमें बार जो लगा हुआ है केवल 7 पे लगा है। कई बार बच्चे गलती करते हैं कि 4 और 7 दोनों पे बार लगा लेते हैं, तो ऐसी गलती आप मत कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपसे कह रहा है 0.47 बार। तो बच्चे यहाँ अगर देखा जाए तो कितने डिजिट पे लगा हुआ बार, केवल केवल 1 डिजिट पे लगा है। सबसे पहला काम, सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि जो भी आपको फ्रैक्शन, जो भी आपको डेसिमल दिया गया है उसे आप कंसीडर करेंगे। तो हमने मान लिया लेट x इज इक्वल टू 0.47 बार, केवल 7 पे बार है बेटा, ध्यान रखिएगा। हमने इसको मान लिया और इसको एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंसीडर करेंगे। क्या करेंगे बेटा? फर्स्ट अगर आप चाहो तो इसको 7 बार की जगह पे 7 7 ऐसे भी राइट कर सकते हो, थोड़ा सा आपके लिए आसानी होगी। ठीक, इसे आपने क्वेश्चन में फर्स्ट मान लिया। आप देखो कितने डिजिट रिपीट हो रहा है, केवल केवल 1 डिजिट रिपीट हो रहा है। तो हम मल्टीप्लाई भी किससे करेंगे, 10 से करेंगे। यहां लिखिए मल्टीप्लाइंग बाई 10 बाई 10 इन फर्स्ट इक्वेशन। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, और किस इक्वेशन में, फर्स्ट वाले इक्वेशन में। बाबू जैसे आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा 10x। बोलो मिला कि नहीं मिला? बाई x था, ये हो गया 10x। और जब यहां मल्टीप्लाई किए डेसिमल 1 डिजिट राइट मूव कर गया, ये हो गया 4.777 एंड सो ऑन। ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकंड। बताओ अब हुआ कि नहीं हुआ, यहां तो कोई दिक्कत? ठीक, अब इसके बाद वही सेम स्टेप जो मैंने बताया था पहले वाले क्वेश्चन में, सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, सेकंड वाले इक्वेशन में से फर्स्ट वाले इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना है। तो जैसे आप इसको माइनस करेंगे 10x इज इक्वल टू 4.77 एंड सो ऑन है। सेकंड, ये फर्स्ट सेकंड इक्वेशन है और फर्स्ट इक्वेशन है x इज इक्वल टू 0.477 एंड सो ऑन। आप जैसे ही माइनस करेंगे बाबू तो आपको मिल जाएगा 9x इज इक्वल टू, ये 7 में 7 गया 0 0, ये हो गया 3 और ये बचा 4, यानी आपको मिल गया 4.3। डेसिमल के बाद कितने भी जीरो, इससे कोई मतलब है नहीं, आप इसको डायरेक्टली केवल 4.3 ऐड कर सकते हैं। भाई बहुत बेसिक सा रूल है, अब ये तो तुमको पता होना चाहिए कि डेसिमल के बाद अगर जीरो है तो आप उसको इरेज कर सकते हैं, हटा सकते हैं या और बढ़ा सकते हैं, उससे कोई वैल्यू नहीं है। तो 9x इज इक्वल टू 4.3 मिल गया। तो बाबू अगर आप ध्यान से देखिए
9x = 4.3 मिल गया है, तो यहां से x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x इज इक्वल टू हो जाएगा 4.3/9। बोलो मिलेगा कि नहीं मिलेगा बेटा, बहुत बेसिक सी बात है भाई, 9 जब इस तरफ ट्रांसफर होगा तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 4.3/9। तो लेकिन क्या ये फ्रैक्शन फॉर्म सही है, क्या ये फ्रैक्शन फॉर्म सिंपलेस्ट फॉर्म है? जी नहीं, फ्रैक्शन में फॉर्म में डेसिमल नहीं होना चाहिए। डेसिमल रिमूव करने के लिए आप जितने डेसिमल ऊपर से रिमूव करते हैं न्यूमरेटर में, उतने जीरोस डिनोमिनेटर में बढ़ाते हैं, आपको पता होगा। तो बहुत बेसिकली इसको हम कर देंगे 43/90, या आप इसमें कहते हैं मल्टीप्लाइंग बाई 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो ये हो जाएगा 43/90। क्लियर? अगर आगे कैंसिल होगा तो कैंसिल कीजिएगा, अगर नहीं होगा तो नहीं कीजिएगा। जैसे आप इस क्वेश्चन को देख सकते हैं, आई थिंक ये कैंसिल नहीं होगा, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 43/90। क्लियर है? चलिए अब बात करते हैं इसके लास्ट पार्ट की, क्वेश्चन नंबर थर्ड। इसका जो थर्ड पार्ट दिया गया, थर्ड वाले में आप अगर ध्यान से समझें तो इसमें 3 डिजिट रिपीट हो रहा है, 0.001 और तीनों पे बार लगा हुआ है। ठीक है, तो देखते हैं इसको कैसे करना है। थर्ड वाले क्वेश्चन को 0.001 इन तीनों पे बार लगा हुआ है, तो वही बार लगा हुआ है, तो आप इसको ऐसा करते हैं एक बार रिपीट कर देते हैं, थोड़ा सा आसानी हो जाएगी। हमने बार को रिमूव करके उसकी जगह पे रिपीटेशन कर दिया, रिपीटेशन आप कर सकते हैं क्योंकि बार को ही की जगह पे तो हम रिपीटेशन करते हैं। हमने इसको रिपीटेशन कर दिया 0.001001 एंड सो ऑन। अच्छा एक बात बताओ, सबसे पहला काम क्या करना है हमें, सबसे पहला काम इस पूरे टर्म को कंसीडर करना है, चाहे एक्स चाहे वाई चाहे जेड, जो भी आपकी मर्जी। तो चलो इस बार वाई मानते हैं, लेट वाई इज इक्वल टू, नहीं तो बार बार कहोगे सर एक्स ही ले रहे हैं, तो हमने मान लिया लेट वाई इज इक्वल टू 0.001001 ऐसे मान लिया। ठीक, अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद सेकंड स्टेप होता है कि जितने डिजिट्स रिपीट हो रहे होंगे, जितने डिजिट रिपीट हो रहे होंगे उतने वन के साथ जीरो वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर ध्यान से समझें इसमें कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं, इसमें 3 डिजिट रिपीट हो रहे हैं, तो हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 10 से नहीं करेंगे क्योंकि 10 में एक जीरो होता है, 100 से भी नहीं करेंगे क्योंकि इसमें 2 जीरो होता है, यानी हम मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 से। तो यहां लिखिएगा ध्यान से, मल्टीप्लाइंग बाय 1000, किससे मल्टीप्लाई होगा, 1000 से। किसमें, इन इक्वेशन नंबर, इन फर्स्ट इक्वेशन में। अच्छा जैसे मैंने कहा फर्स्ट इक्वेशन में, तो फर्स्ट इक्वेशन का मतलब ये हुआ कि LHS RHS दोनों साइड, ऐसा नहीं कि एक ही साइड कर देना, बहुत बुद्धिमान प्राणी ऐसे भी होते हैं, मैंने कई बार कॉपियां देखी हैं उसमें केवल एक ही साइड कर देते हैं, तो ऐसा कुछ आप मत कीजिएगा। आप 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा 1000y इज इक्वल टू, और जैसे यहाँ मल्टीप्लाई हुआ तो डेसिमल 3 डिजिट मूव कर जाएगा, ये हो गया 1, 2, 3, तो यानी आपका डेसिमल जो यहाँ पे पहले था ये 1 के बाद में आ जाएगा, आफ्टर 1, फिर 0, 0, 1 हो गया, और फिर 0, 0, 1 ऐसे एंड ऑन। बोलो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, तो इसको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक, वही काम जो अभी तक आप करते आए हैं, सब्ट्रैक्ट, क्या करते आए हैं, सब्ट्रैक्ट सेकंड वाली इक्वेशन सब्ट्रैक्ट करना है, सॉरी फर्स्ट वाली इक्वेशन सब्ट्रैक्ट करना है, किस में से, फ्रॉम सेकंड, दूसरे वाले में सब्ट्रैक्ट करना है। तो सेकंड वाला इक्वेशन कौन सा भाई, ये है 1000y इज इक्वल टू 1.001001 एंड सो। ठीक है, फर्स्ट वाला इक्वेशन कौन सा है, y इज इक्वल टू 0.001001 एंड सो। ठीक, अब जिसको आप माइनस करोगे बाबू तो आपको क्या मिल जाएगा, अगर आप ध्यान से इसको देखो तो आपको माइनस करने में मिल जाएगा, ये मिल जाएगा 999 इज इक्वल टू यहाँ माइनस किया जाएगा तो 1 में से 1 गया 0, 0, 0, 0 एंड सो, केवल केवल 1 मिलेगा। बताओ बाबू केवल केवल कितना मिलेगा, 1 मिलेगा, बहुत बेसिक सी बात है भाई। आप माइनस करेंगे तो माइनस करने पे केवल आपको लास्ट में यहाँ पे 1 बचेगा भाई, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो 999y इज इक्वल टू मिल गया 1। तो यहाँ से बाबू y इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, y इज इक्वल टू मिल जाएगा, ये ट्रांसफर हो जाएगा डिनोमिनेटर में, तो 1/999। ठीक, और यही वाई आपने माना था इस पहले वाले इक्वेशन को, यानी अगर मैं आपसे कहूँ इसकी वैल्यू 0.001 बार की तो हो जाएगा 1/999। क्लियर है, फोर की क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है एक्सप्रेस 0.999 इन द फॉर्म ऑफ PYQ।
आर यू सरप्राइज्ड विथ योर रिजल्ट? क्या आपने को जो रिजल्ट मिला फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करके, उससे आप सरप्राइज हैं? अगर सरप्राइज हैं तो डिस्कस कीजिए अपने आंसर को अपने क्लासमेट्स और टीचर के साथ। जी हाँ, जब आप 0.99 को PYQ के फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं तो थोड़ा सरप्राइज होते हैं। मैं भी हुआ था जब मैं भी क्लास 9 में था, आप भी होंगे जब आप फर्स्ट टाइम करते हैं। तो चलिए पहले एक्सप्रेस करते हैं, फिर बात करते हैं उस क्वेश्चन पे, डिस्कस करते हैं फिर टीचर के साथ, मैं टीचर आप स्टूडेंट, या मैं क्लासमेट आप भी क्लासमेट, डिस्कस किया जाएगा फिर बैठ के आराम से। देखिए, अगर मैं इसको एक्स कंसीडर करूँ, सबसे पहला काम आपको पता है कि इसको आपको एक्स कंसीडर करना है। ये आपको याद हो गया होगा अच्छे से कि आपको जब भी कभी PYQ के फॉर्म में एक्सप्रेस करने के लिए कहा जाएगा तो आपको उसको एक्स कंसीडर करना होगा। तो आपने उसको एक्स कंसीडर कर लिया, ठीक। अब देखिए कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं, बताइए कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं बेटा? केवल केवल 1 डिजिट रिपीट हो रहा है, 999 यही रिपीट हो रहा है। तो आप मल्टीप्लाई करेंगे केवल 10 से, अगर 2 डिजिट रिपीट होता तो 100 से मल्टीप्लाई करते। तो यहाँ लिखिए मल्टीप्लाइंग बाई 10, किसमें? इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, पहले वाले इक्वेशन में 10 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे 10 से आपने मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया आपको 10x इज इक्वल टू, और डेसिमल 1 डिजिट राइट मूव हो गया, यानी 9.999 एंड सो हो गया। बोलो बेटा हुआ कि नहीं हुआ? और ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक। ये फर्स्ट था और ये सेकंड हो गया। अब क्या करना होता है? अब सब्ट्रैक्ट करना होता है। और किसको सब्ट्रैक्ट करते हैं? सब्ट्रैक्ट फर्स्ट, कहाँ से? फ्रॉम सेकंड वाले इक्वेशन में से फर्स्ट वाले इक्वेशन सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो मिल जाएगा आपका 10x इज इक्वल टू 9.999 एंड सो ऑन, एंड एक्स इज इक्वल टू 0.999 एंड सो ऑन। और माइनस करने पे आप क्या मिलेगा? माइनस करने पे यहाँ मिल जाएगा आपको 9x, और यहाँ मिल जाएगा ये 000, यानी मिला केवल 9, ठीक। तो आपको मिलेगा 9x इज इक्वल टू 9, और जब आप इसको कन्वर्ट करते हैं तो मिल जाएगा 9x इज इक्वल टू 9, और x इज इक्वल टू मिलेगा 9/9, ठीक। क्या मिल गया? 9/9 मिल गया, यानी x की वैल्यू आ गई 1। बताओ कितना आ गया बेटा? 1 आ गया। अब तो थोड़ा सा शॉकिंग हो ही जाता है कि आपसे कहा गया था 0.999 को कन्वर्ट करने के लिए, आपने उसको कन्वर्ट किया, कन्वर्ट करने के बाद आपको वहाँ पे 1 मिल रहा है। तो सीधी सी बात है कि 0.999 की वैल्यू 1 तो नहीं होती, कभी नहीं होती, लेकिन ये कैसे मिलता है? तो ध्यान समझिएगा, एक्चुअली ये बहुत ही क्लोज है 1 के, जी 1 के बहुत ज़्यादा क्लोज है। अब आप अगर मान लीजिए 9 केवल एक बार 9 करते हैं, 0.9 करते हैं, तो इसकी 1 से डिफरेंस आपका, अगर इसका 1 से डिफरेंस लिया जाए तो 0.1 आएगा, ठीक। लेकिन अगर मैं इसी को 2 टाइम रिपीट कर दूं तो इसकी भी जो डिफरेंस आएगा 1 का, वो 0.01 आएगा। अब अगर मान लो मैं इसको 3 टाइम रिपीट कर दूं तो इसके भी डिफरेंस 0.001 आएगा। अब ये अगर एंड सो ऑन ऐसे कंटिन्यूसली कई बार रिपीट हो जाए तो आपका जो आंसर होगा, जो डिफरेंस होगा 1 के साथ, वो कई बार रिपीट होने के बाद तब वहाँ पे 1 मिलेगा। यानी एग्जैक्टली अगर देखें 0.000000 करते करते कई लंबी कतार जाए और तब वहाँ पे आपको 1 राइट रहे, तो इसका मतलब क्या होगा कि वो नेग्लिजिबल होता है। वो क्या होता है? नेग्लिजिबल होता है। इट मीन्स कि ये जो 0.999999 दिया गया है, अगर यहाँ पे 9 की फ्रिक्वेंसी ज़्यादा कर दी जाए, यानी कई बार रिपीट कर दिया जाए, तो ये अप्रॉक्सीमेटली 1 के करीब हो जाता है। ये किसके करीब होता है? 1 के करीब हो जाता है। जब ये 1 के करीब हो जाता है तो इसके 1 और इसके बीच के डिफरेंस क्रिएट कर पाना मुश्किल होता है, तो इसलिए ये इसकी वैल्यू 1 मिलती है। क्या मिलती है इसकी वैल्यू? हमने 0.999 को फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट करके देखा और हमें 1 मिल रहा है, और ये डिस्कस भी किया कि वो 1 क्यों मिल रहा है। बट अगर आपसे एक्सप्लेनेशन के लिए कहा जाए तो आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे? आप देख पा रहे होंगे आपके इस बोर्ड पे मैंने एक लाइन लिख रखी है, इसी लाइन को एग्जैक्टली आपको कॉपी में लिखना है। काफ़ी बेहतर एक्सप्लेनेशन है, ये लिखा हुआ है द आंसर मेक्स सेंस एज 0.9 बार इज इन्फाइनेटली क्लोज टू 1। मतलब कि 0.9 बार जो है वो इन्फाइनेटली बहुत ज़्यादा 1 के क्लोज है। दैट इज We can make the difference between 1 and 0.999 as small as we wish by taking 9s. यानी 0.99 और 1 के बीच में उतना कम डिफरेंस होगा जितना ही हम 9 को कम लेंगे। अगर 9 की फ्रिक्वेंसी बार बार ज़्यादा बढ़ती जाएगी तो 1 और 0.99 के बीच का डिफरेंस बहुत ही कम हो जाता है, ठीक। आई थिंक यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से
1.3 के फर्स्ट फोर क्वेश्चन को सॉल्व किया। बाकी के जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उनको हम लोग 1.3 एक्सरसाइज के जो पार्ट टू वीडियो आएगा उसमें डिस्कस करेंगे। क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा था इसलिए मैंने डिसाइड किया 1.3 एक्सरसाइज को दो पार्ट में करते हैं। फर्स्ट पार्ट ये है और सेकेंड पार्ट जब अपलोड होगा तो उसमें हम लोग बाकी बचे हुए क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और उन लोगों को ज़रूर शेयर कीजिए जिन्हें इनकी ज़रूरत है, और अपने विचार हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। Thanks so much for watching us.